आज जायदा जैसे है इससे भी गंदा हाल होना चाहिए इसका। इस कामा से तो कबूतरी कहाँ खोई, इसको देश में खो देना चाहिए। चाहे अपने हरियाणा की है और गुड़गांव की, गुड़गांव में जाए अपने वहाँ सड़के गाय भैंस गोबर साफ करे वहाँ पे, ये ही इस बात की है। ये वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु की फतेह। बोले सोनिया बब्बर शेर मुख्तियार सिंह। ये बताएंगे कि ये निर्दलीय है और दोनों टिकट पिटेंगी। जैदा को भी साथ दिया था पिछली बार, उसको 10 साल हुए उसने कोई विकास नहीं किया, से लेके नहीं पानी से लेके चप्पल जूती तक इसने दल्ले दल्ले खरीदे हैं। इसने साथ में कुछ जनता मौजूद है तो हमारे साथ में जो ये मौजूद है सरदार जी, जी क्या नाम है जी? मेरा नाम दर्शन सिंह है। तो दर्शन सिंह जी आप यहाँ सभा में आए हैं और सभाएं भी देखी होंगी आपने, तो सभाओं को देखकर और रैलियों को देखकर क्या लगता है आपको इस बार? रैलियां ये लग रहा है कि मुख्तियार सिंह जिंदाबाद, मुख्तियार जीतेंगे जीतेंगे सौ। तो ये बदलाव अब की बार किस वजह से आया है आप बताएंगे? ये बताएंगे कि ये निर्दलीय है और दोनों टिकट पिटेंगी। तो निर्दलीय को और बार तो वोट नहीं मिलती, अब की बार निर्दलीय के साथ जनता क्यों हुई है, क्या वजह है? क्योंकि वो जायदा का काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, काम नहीं किया जी। तो इसी वजह से जनता जनता परेशान है, पानी से परेशान है, रोडों से परेशान है। जैसेश्वरम गांव में देखें तो पूरी तरह सड़कें सारी खराब हुई पड़ी हैं। हाल कुछ भी नहीं करवाया। आपका कौन सा गांव है? गांव सेशन गांव ही है। हां जी सेशन से। हां तो आप लोगों को अब यहां पे जो आए हैं, हां जी, तो आप लोगों ने समर्थन मुख्तियार सिंह मुख्तियार हां जी जी पूरा जी जान से जी। वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु की फतेह। बोले सोनिया। कारण क्या है जी? हमें जैदा को भी साथ दिया था पिछली बार, उसको 10 साल हुए उसने कोई विकास नहीं किया और ना ही हमारे बीजी वाले किया है। तो मुख्तियार जी ऐसा है हमारे गांव के ही हैं, हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए है कि हम मुख्तियार को वोट देंगे, इसको जिताएंगे, उसे हाथ जोड़ के हम अपने एरिया का विकास मांगेंगे, ये हमारा निवेदन है। तो कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तियार तो बहुत पीछे रह जाएंगे, तीसरे नंबर बता रहे हैं। देखो जी हम जो स्थिति देख रखी है हमारी निगाहों में मुख्तियार जी आगे हैं और आगे रखेंगे। तो कितना आगे लग रहा है आपको? काफी आगे लग रहा है, काफी 60% काफी लग रहा है और भगवान चाहे तो उसको जिताएंगे, ये असूल है। मुख्तियार सिंह जिंदाबाद, बब्बर शेर मुख्तियार सिंह जिंदाबाद जी। मुख्तियार जी टट्टू पार करेंगे, पार करेंगे, पार करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। तो इस बार जो जनता का माहौल लग रहा है ये बहुत अच्छा बढ़िया है, जो जनता इतना जन सैलाब उनके साथ उमड़ जाता है, तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण तो सब कुछ पता क्या है, क्या आप क्या मानते हैं? हमें सब कुछ पता है क्या इसका कारण है, हम सब जानते हैं, ये सब जानते हैं इसका कारण जी। मैं ये मानता हूँ कि मेरा नाम गुरदास सिंह, ग्राम सेशन का रहने वाला हूँ मैं, लेकिन ये जायदा ना आनी चाहिए ना थी, लेकिन हमने 2093 से जायदा जी को हमने वोट दिए, अपना बनाया, भारी जीत हासिल की तैयब जी की, उसके बाद जायदा जी आए इसके भी की, लेकिन इसने जो दल्ले पाले हैं हर जगह पे दल्ले दल्ले पाल दिए, इसने नहर से लेके नहीं पानी से लेके चप्पल जूती तक इसने दल्ले दल्ले खरीदे हैं। इसने हम खुद अपने आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के 30,000, 25,000, 20,000 रुपए हमने खुद से ही मांगे गए हैं और इसने लिए हैं, और फिर हमने और भी कोई काम गए, फिर इसके हमने वहाँ पे इसके घर पे जो ऑफिस से काम है वहाँ पे गए, कोई किसी का कदर नहीं, जो इसके निजी बंदे थे उन्हीं की कदर था, जो आप भोले सीधे आदमी जाते थे अपनी मुरादे लेके उनको पीछे हटा दे करते थे, कोई उसका उसको कोई बात नहीं थी उसके दिल में। ये आज जायदा जैसे है इससे भी गंदा हाल होना चाहिए इसका। इस कामा से तो कबूतरी कहाँ खोई, इसको देश में खो देना चाहिए। चाहे अपने हरियाणा की है और गुड़गांव की, गुड़गांव में जाए अपने वहाँ सड़के गाय भैंस गोबर साफ करे वहाँ पे, ये ही इस बात की है। ये हमारे काम की नहीं है, ये मुर्दा है, मुर्दाबाद रहेगी का। हम तो ये कहेंगे ये हमारे लेख का नहीं है, इसको तो यहाँ से भगाना चाहिए, यहाँ से कांग्रेस के बिल्कुल मुर्दाबाद है। अशोक गहलोत इतनी बड़ी बीजेपी वाले ने कोई बात कह दी, अशोक गहलोत के मुंह में क्या गोंगलू फंसा हुआ था, जो दूसरे गांव कंट्री का हमारे देश के अंदर आकर जिले कंट्री में आकर उखाड़ने की बातें कर रहा है, क्या इसके पास वो कटर पिल्लू से नहीं थे?
वैसे बहुत बातें करता था, उसके एक निंदा नहीं कर सकता था उसके लिए। किसने क्या किया? ये जाहिदा ने कहा भी मैं निंदा करते जो बीजेपी वाले ये बात कही है कि इसने कहा अशोक लो ने हमारी राजस्थान में इसका हक बनता यूपी के आने का, ये भी उसके पास भी पावर इतना था, अशोक गहलोत के पास उतना ही पावर उसके पास भी था सीएम के पास, ये भी तो उस गांव में जाकर खाड़ सकता है कि इसमें पानी नहीं है, कि इसके गोलियों में पानी भरा हुआ, उसके उसके कटर पिल्लों में क्या पेट्रोल भरा हुआ था। ये मुर्दाबाद रहेगा, ये तो एक जो थी ना ये झुंझुनू बजाने वाली थी जायदा, ये झुंझुनू बजाने वाली तुम मुसलमानों को। आपका कहने का मतलब है जो योगी जी आए यहाँ पे गलत आए उन्होंने भाग किया उन्होंने यहाँ पर आके। हाँ हमने तो मुख्तार जी अच्छे लगे, मुख्तार को जिताएंगे, मुख्तार अपना भाई है, भाई बन के रहेंगे, भाई तेरे बेटे भाई तेरे रहेंगे हम, तो हार गया जब भी भाई बनकर रहेंगे, जीत गया जब भी भाई बनकर आपके नेता दूसरी बार आएंगे, जिताना जरूर है इसको भारी बहुमत से। मैं श्रवण के लिए यही निवेदन करता हूँ, जो भी मुख्तार जी इसके ही आगे निकालना है, सबको विकास इसी से करवाना है। हाँ जायदा को भगाओ जी, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है मुख्तार, जैसा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे हरियाणा के लोगों की ज्यादातर भीड़ होती है मुख्तार के साथ में। आधार कार्ड दिखाऊं? आधार कार्ड है तुम्हारे पास? है मेरे पास, है फोन के अंदर है आधार कार्ड, मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस तरह किस किस का आधार कार्ड देखेंगे, हजारों आदमी है, आधार कार्ड से क्या मतलब है? आधार कार्ड से ये मतलब है, सुनो, जो हमेशा चोर रहता है ना, जो चोर रहता है, जो हमेशा चोर रहता है, वो अक्सर इस पर इस बात को लेकर सामने करते हैं, क्योंकि देखो उनके पास हरियाणा का आदमी है, उनके पास जायदा की रैली में हरियाणा का आदमी है, दूसरे को भी ऐसा ही समझते हैं। इंशाल्लाह हमारे गांव की ये जो नरेगा मिस्ट्रोल है 2017 से तोफिक खान झोंपड़ी का रहने वाला, वो खड़ा था, लेकिन हम उसको जायदा के पास मैंने संपर्क किया था, जलीस पर फोन किया था, उन्हें बोला भाई कोई सबूत है, मैंने कहे मैंने वीडियो भेजा था, जो कह रहे मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, झूठी कसम खा गया, मैं अब फ्री में पैसे दिलाऊंगा जो आवास वाले में, ठीक है मेरे पर नरेगा तो करवा दे, जिसके चूल्हे बुझे पड़े उनको बल जाने चाहिए, जो कह रहा ठीक है, लेकिन मिस्ट्रोल 2017 से अब चलिए दो मिस्ट्रोल, बाकी पैसे सारे खा गए, गरीब बेचारे से कैसे रह गए, मिस्ट्रोल के पैसे इसने खा लिए, दो पिक ने नहर के 50 लाख खा गया, ये पैसे नहीं मिले, नहीं मिले किसी को, भ्रष्टा इतना था, दल्ले दल्ले थे इसके, दल्ले खुद भी दल्ली और दल्ली रहेगी ये भाई, भाई। लेकिन इतनी बातें हैं, अब हम क्या क्या निकाल सके, हम इतनी बात, हमें टाइम नहीं है इतना, जो इसने बहुत बहुत बातें, बहुत ये कुंडी है इसको, बहुत बातें है, हाँ बहुत बातें, मेरे पास मोबाइल नहीं थे, मोबाइल का हमने मुख्तार जी का स्वागत किया, वो भी फोटो है हमारे पास, जिसने गले पुणे कर वो भी फोटो थे हमारे पास, लेकिन हमारे कब्रिस्तान का जो मसला आया था उस पर इसने कोई गौर नहीं किया, इसने कहा मेरे सामने ऐसी कोई फफूंद मत लाओ, मौल साहब से कही थी, हाँ मौल हारून सिंह से कही थी, शमशान के भूमि के पैसे आए बाउंड्री के, कब्रिस्तान का आए मट्टी दिलवाने के, नीचे अब 4 फुट की कब्र होगी, उसके ऊपर आगे और भी जगह कम हो जाती है, उसका और खड्डा खोदने के लिए जगह नहीं है, नीचे उखड़ती है लकड़ियां वो हड्डियां, जैसे करो माटी डाल दो 4-4 फुट नीचे और दोबारा हो जाएगा दफनाना होगा, लेकिन वो माटी के लिए भी पैसे यही खा गए, यही खा गए, जो क्या नाम है हमारे सिक्को कहेगा शमशान घाट, उसके 4 बाउंड्रिया होनी थी, वो पैसे खा गए, ये जायदा खा गए, 9 लाख रुपए आए थे ये हमारे शमशान भूमि के लिए, वो खा गए, पूरा भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार है पूरा। सुनो भाई डल्ला बन गई है पूरा ऐसे है, लेकिन एक एक कहावत है, कह देते है ना कोई जंगलात में कोई शेर कुत्ता आया था शेर की खाल पहन के, लेकिन जब वो खाता रखा जनता को पता पड़ा जो निकला ही कुत्ता,